नमस्कार, मैं हूँ साक्षी मुमगाई। उत्तराखंड की सियासी क्रीज पर कप्तान धामी के क्लीन बोल्ड होने के बाद अब केंद्र नए कैप्टन की तलाश में जुट गया है। भाजपा प्रदेश संगठन यूथ सेंटर की कसौटी पर खरा उतरने में कामयाब रहा, लेकिन खटीमा में खोई एक सीट ने इस सवाल के साथ बवाल खड़ा कर दिया है कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री होगा कौन। वैसे तो कहानी में धामी अब भी नायक है, लेकिन संसदीय बोर्ड में नाकामयाब पुष्कर सिंह धामी के नाम पर पेच फंस गया है। कुछ भी कहूं, लेकिन शिकस्त खाई कांग्रेस जाते जाते भी उत्तराखंड भाजपा को शिकस्त दे गई है। आलम यह है कि पहले जीत के लिए कुश्ती लड़ी और अब कसरत कर रही है पार्टी कमान किसी सही हाथ में सौंपने के लिए। ये जिम्मेदार हाथ 47 शहरों में किसी का भी हो सकता है। हालांकि दिलचस्प ये है कि चुने गए इन 47 विधायकों में कुछ तो ऐसे हैं जो खुद पैर खींच पैरवी कार्यवाहिक मुख्यमंत्री की कर रहे हैं। इसी को लेकर भाजपा की संसदीय बोर्ड की मीटिंग में चर्चा भी हुई। हाईकमान को धामी पर राजी करने की कोशिश भी की गई, लेकिन लगता है बीजेपी का ये पार्लियामेंट्री बोर्ड अपने इस फायर नेता पर फैसला लेने में संकोच कर रहा है। अपना पुष्कर फ्लावर भी है और फायर भी। कुछ ऐसा ही कह गए थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब भाजपा के लिए वोट बटोरने उत्तराखंड आए थे। सिर्फ वही नहीं, केंद्र की हर दहाड़ में धामी शेर थे, लेकिन हार के बाद जब भाजपा की संसदीय बोर्ड की मीटिंग बुलाई गई तो इसके कई सदस्य धामी को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर राजी नहीं दिखे। जानकारी के लिए बता दें, पार्टी का यही पार्लियामेंट्री बोर्ड ये तय करेगा कि अगला सीएम होगा कौन। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसका हिस्सा है और पहली बैठक में स्थिति की समीक्षा भी कर चुके हैं। लेकिन खबरों के मुताबिक इस मीटिंग में धामी पर मोहर नहीं लगी। हालांकि ये जरूर तय किया गया कि मुख्यमंत्री बनेगा तो सिर्फ विधायकों में, यानी अभी तक जो सांसदों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म था उनके सीएम बनाए जाने की अटकलों पर यहाँ फुल स्टॉप लगता दिख रहा है। बचे सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, बिशन सिंह चुपाल, ऋतु खंडूरी और पुष्कर सिंह धामी ये अब भी रेस में दौड़ रहे हैं। आपको ये भी बता दें, बीजेपी संसदीय बोर्ड की मीटिंग का उद्देश्य जीत वाले चार राज्यों के लिए पर्यवेक्षकों के नाम तय करना भी था, जो हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और धर्मेंद्र प्रधान को नए नेता के चुनाव के लिए विधायक दल की बैठक की निगरानी के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में उत्तराखंड में नियुक्त किया गया है। मंत्री पीयूष गोयल और धर्मेंद्र प्रधान इस समय पूरी स्थिति का जायजा ले रहे हैं। इस बात को कई जगहों पर उठाया जा चुका है कि लोकसभा के चुनाव पर चुना जा रहा नाम असर डाल सकता है। ऊपर से ये भी कोई नहीं नकार सकता है कि युवा नेतृत्व के जिस कार्ड पर भाजपा ने प्रदेश में बहुमत से जीत हासिल की है उसके मुख्य पात्र पुष्कर सिंह धामी ही हैं। ऐसे में पर्यवेक्षकों के लिए फैसला आसान नहीं है। इतना तय है कि पूर्ण सहमति तो धामी के नाम पर नहीं है, वरना इतनी देरी होती नहीं। और अब तो बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक ने भी कह दिया है कि आजकल में तो शपथ ग्रहण बिल्कुल नहीं है, लेकिन सवाल है फिर आखिर कौन सी तारीख को सूबे को उसका मुख्य मिलेगा। मिली जानकारी कहती है कि होली के बाद ही सीएम चेहरे की घोषणा होगी। 19 मार्च को विधायक दल की मीटिंग बुलाई जाएगी जिसमें नए सीएम के नाम पर आधिकारिक मोहर लग सकती है। मामले में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा है कि उत्तराखंड के नए सीएम के नाम पर 20 मार्च तक फैसला होगा। बीजेपी संगठन द्वारा नव निर्वाचित विधायकों को होली के बाद देहरादून में रहने का निर्देश दिया गया है। अब कौशिक की कही बात के तो कई मायने निकल रहे हैं। नव निर्वाचित विधायकों को दून में रहने के लिए कहना अपने आप में कई इशारे समेत है, पर ठीक है, तमाम सवालों और लगाई जा रही हर कयास पर जल्द ही विराम लगने को है। बस कुछ ही दिन में साफ हो जाएगा कि सीएम चेहरे पर फंसे ये पेच सुलझने के साथ प्रदेश की सियासत में कौन सी नई खलबली मचाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।